तो जिस चीज के बारे में सुबह से बोल रहा था कि क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले सरप्राइज गिफ्ट अपनी मम्मी को, वो ये रहा। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और यहाँ पे हम लोग शादी में आए हुए थे। रात भर खूब इंजॉय किए, मज़ा आ गया रात भर शादी में, और काफ़ी कुछ कांड भी किए यहाँ बैठ के, बहुत रात मजे किए। अभी का सीन ये है कि अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए सोच रहे हैं, मम्मी अभी अंदर हैं, और एक स्पेशल वीडियो आज बनने वाला है, बहुत ही खास, उसके लिए बने रहिए। अभी वेट कर रहे हैं कुछ नाश्ता पानी, यहाँ से करिए, भूख लगा है भाई, रात को कुछ खाया नहीं है, ना सोए हैं, और अभी इतना आँखों में नींद है क्या बताएं। वहाँ देखो सुबह से कुछ खाया नहीं है, वो देखो वहाँ पे कुछ तो बट रहा है, नहीं जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, मैं लिटरली कुछ पहन के नहीं आया था। आई वॉज जस्ट वेयरिंग दिस जैकेट, ब्लेजर, नथिंग एल्स। ये मेरा भाई आ गया मेरे लिए सामान लेके। क्या लाया भाई, क्या लेके आए हो? छोला और हलवा। छोला हलवा दोनों मेरा है क्या? लेते हैं हम दोनों, इस दोनों फिर भीड़ था ना इसलिए दोनों लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये मेरा प्यारा सा भाई, इसको बंद कर दो यार, गेट तो खोल चला गया। कोई नहीं, लेकिन अभी हलवा आया है अपने लिए, यहाँ पे चना है, हलवा है, इसको खाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, और मुझे घर निकलना यार। मेरा नाश्ता ये रहा मेरा भाई, हम लोग साथ में बैठ खाएंगे, वो वहाँ बैठ के अपना उसको अंदर आने दे रहे हैं, तो वो गिरा देगा पूरा, गाड़ी गंदा कर देगा, इसलिए अंदर नहीं आ पाएगा वो, तो उसको फिनिश करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो बहुत लेट हो गया यार, क्या बताऊँ, मैं ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास यहाँ पहुँच गया था घर पर, उसके बाद मैं बैठा है थोड़ा एडिटिंग करने के, इस वीडियो को, अपने प्रीवियस ब्लॉग को जो आपने कल देखा होगा, और उसको एडिटिंग करने में पता नहीं कब क्या हो गया, मुझे नींद आ गया, मैं सो गया, और फिर मम्मी आती है, जगाती है मुझे ऑलमोस्ट 12:30 मैं सो के उठता हूँ, फिर बोलती है कि चलना है गुरुमा, काम है वहाँ पे, हमने कहा ठीक है। इतना नींद आ रहा था मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी गुरुमा आए, सब काम था वो निपटाया, अभी जा रहे हैं वापस माकुंडी। भाई साहब थक गए हैं यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, थक गए हैं, अभी माकुंडी जा रहा हूँ, और वहाँ जा कुछ खाएंगे, बहुत तेज भूख लगा यार, रात को कल शाम को खाना खाया, उसके बाद खाना नहीं खाया अभी तक, तो अभी जाएंगे माकुंडी, वहाँ कुछ खाएंगे और नहाएंगे, उसके बाद तो पढ़ते चलते हैं, उसके बाद अब उससे बात करते हैं। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और घर पे कोई है नहीं इस समय, भाई क्या हुआ है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, मतलब वही सामान लाने गया है जिसके लिए मैं सुबह से बात कर रहा हूँ, सरप्राइज। क्या सरप्राइज है वो सुबह से मैं बोल रहा हूँ, भाई गया हुआ है लेने के लिए सामान, आई डोंट नो कब तक आएगा, ऑलमोस्ट 12:00 गया हुआ है मार्केट, गया हुआ लेने के लिए, और मम्मी इस समय गुलमा में, उनको नहीं पता क्या होने वाला है उनके साथ, और रात में आएंगी तो कसम से मज़ा आने वाला है। ये मतलब कि बेसिकली जो ये चीज़ मैं आप दिखा रहा हूँ बहुत ही सही चीज़ है, मैं लिटरली बहुत दिन से मैंने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने प्लान कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और फाइनली वो चीज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं अपने मम्मी के लिए। बाकी प्रॉपर में वो क्या चीज़ है वो तो आने के बाद ही आपको दिखाएंगे। तो अभी जस्ट सो को उठा हूँ मैं, रात भर सो ही नहीं थे और थोड़ा सा सिर दुख रहा था तो इसलिए सो रहे थे, अभी थोड़ा सा रूम सही करेंगे। मेरा रूम देखो कैसे गंदा पड़ा, टेबल गंदा पड़ा है, यहाँ पूरा फेंका हुआ है, ये पता नहीं सुबह का चाय जोड़ रखा, सुबह का चाय है अभी तक मैंने खाया तक नहीं, मैं मुझे भूख बिल्कुल ही था सुबह से, तो अभी रूम सही करते हैं क्योंकि अब 2 दिन फुल मस्ती खुल धमाल किए, अब कल से वापस से पढ़ाई करना बैठना है, तो आज ही अपना जो शेड्यूल है कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जो भी करना है, और अभी रूम साफ करते हैं अपना। तो जिस चीज़ के बारे में सुबह से बोल रहा था कि क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले सरप्राइज गिफ्ट अपनी मम्मी को, वो ये रहा दिस Redmi 10 फ़ोन। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स मेरी मम्मी फ़ोन यूज़ करती थी, 3 फ़ोन टोटल, और तीनों ही अलग अलग पर्पज़ के लिए, मैंने सोचा कि यार 3 अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या फोन यूज़ करना, इनको एक ही फ़ोन देते जो बेस्ट है हर चीज़ में, तो उनके लिए मैंने मैंने किया, मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मैं हम तीनों ने मिलके एक अपने कंट्रीब्यूट किया, फ़ोन खरीदा अपनी मम्मी के लिए, वो ये रहा।
और मैं उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड किया रिएक्शन चेक करने के लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली डाल नहीं सकता यूट्यूब पे, क्योंकि फिलहाल मैंने चाहता कि मैं प्राइवेट चीज़ों को आप लोग देखें। अभी फ़ोन में दिखा दूँ, ये रहा फ़ोन, ये फ़ोन है वो मैं जो दे रहा हूँ, मम्मी दिया मैंने, और ये बैक कवर मैं जब बना था तब मैं वहाँ से लिया था, और एक्सट्रीमली वेरी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने मिलकर कुछ दिया है मम्मी को पहली बार, इतनी महंगी चीज़ मैंने पहले भी दे रखा है, बहुत चीज़ें दी हम लोगों ने, साड़ी, रिंग, बैग, पर्स, ये सब देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें देना काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट था तीनों के लिए। और मेरी दीदी वीडियो कॉल पर थी, हम दोनों साथ में दे रहे थे, तो इट वॉज वेरी क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। अभी मम्मी से पूछेंगे कि कैसा लगा उनको ये मिल कर, उनको उन्होंने कहा कि अच्छा लगा। अभी आप लोग के लिए भी हो सके तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा अगर हो जाए तो, लेकिन स्टिल इस चीज़ का फील अलग है। आई लव दिस। वो मोमेंट, वो चीज़ जो एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिला था दोनों लोग भाई को, प्राइसलेस था यार। मैं काश मैं दिखा पाता आप लोग को, लेकिन वो आगे भी बहुत कुछ देंगे, अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा वो चीज़ें, लेकिन वो वीडियो मेरे पास पड़े हैं, वो मैं देखूँगा अपने प्राइवेट गैलरी में, अपने प्राइवेट वीडियो से वो वीडियो टॉप पर रहने वाली एक्सप्रेशन अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है। सो बस अभी तो यही है, अभी हो रहे हैं शाम के 7, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लास्ट 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, और पढ़ाई भी नहीं की और रनिंग भी नहीं जा पा रहे कुछ दिन से, तो कल से रनिंग भी कंटिन्यू करेंगे, अभी भी पढ़ाई को सेटअप करते हैं प्रॉपर, तो मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तो बस यार आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मम्मी को गिफ्ट दिया, इट वॉज वेरी प्राउड फॉर अस, मी, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, और होप करते हैं ऐसे ही हम लोग चीज़ें देते रहे अपने फैमिली में, अपने मम्मी को, अपने पापा को। बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।